टॉपिक्स में आपका स्वागत है। तो हम अभी तक सीख चुके हैं डाउ थ्योरी के बारे में, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और उसके बाद में मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब हम आगे सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। चार्ट पैटर्न्स जो हैं कैंडल्स को मिलाकर बनाया गया जो फॉर्मेशन होता है वो चार्ट पैटर्न कहलाता है। चार्ट पैटर्न बुलिश भी होते हैं और बियरिश भी पैटर्न्स होते हैं। तो आज की सीरीज़ में हम देखेंगे कि डबल बॉटम और डबल टॉप क्या पैटर्न होते हैं और इन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो डबल टॉप होता है, डबल टॉप सबसे पहले अप ट्रेंड की तरह स्टार्ट होता है, उसके बाद ये अप ट्रेंड बनाकर एक टॉप बनाता है, फिर उसके बाद में ये हल्का रिट्रेस करता है और फिर दूसरा टॉप बनाता है और फिर से रिट्रेस करता है नीचे की तरफ। तो इसको कहते हैं डबल टॉप। डबल टॉप का जब ब्रेकआउट आता है तो ये सेलिंग दर्शाता है, मतलब कि मार्केट में सेलिंग आने वाली होती है। तो ये जिससे जैसे इस कैंडल में आप देख पा रहे होंगे, सॉरी, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें नेकलाइन के नीचे की जो एंट्री होती है, यहाँ से एंट्री लेते हैं, इसके ऊपर का एसएल होता है और उसके बाद में यहाँ का टारगेट लेते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से ये डबल टॉप पैटर्न काम करता है। तो डबल टॉप पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक फिल्टर बताया था आपको, और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, topstockresearch.com ये वेबसाइट है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे जब हम सर्च करते हैं, तो सर्च करने पे यहाँ पे जब हम चार्ट पैटर्न्स पे जाते हैं, तो चार्ट पैटर्न्स में जाने के बाद यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पैटर्न्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पैटर्न्स मिल जाते हैं। तो जैसे कि मैं अभी शॉर्ट टर्म में डबल टॉप देखूँगा, तो यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट निकल के आती है, उनमें से कोई भी स्टॉक आप लगा लीजिए, वहाँ पर आपको पैटर्न मिल जाएगा। ठीक, मीडियम टर्म के लिए भी होता है, तो मीडियम टर्म में भी आपको ये स्टॉक मिल जाते हैं। तो मैंने इसी में कुछ फिल्ट्रेशन करके लिस्ट निकाली है, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डबल टॉप में कौन कौन से चार्ट हो रहे हैं जो अभी डबल टॉप दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले डबल टॉप में हम देखेंगे फिनोलेक्स का चार्ट। फिनोलेक्स का मैंने चार्ट लगाया है, ये फिनोलेक्स केबल से इसका मैंने ये चार्ट लगाया। फिनोलेक्स केबल का जो ये चार्ट है, इसमें आपको एक टॉप ये दिख रहा है, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया और फिर दूसरा टॉप इसने यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं कुछ इस तरीके से बता सकता हूँ कि सबसे पहले मार्केट में बाइंग आई, बाइंग आने के बाद में ये टॉप बनाता है, टॉप बनाने के बाद इसने रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद इसने सेकंड टॉप बनाया और फिर ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो मतलब ये एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा, इस एरिया तक। तो ये एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन है फिनोलेक्स केबल्स में। तो इस पैटर्न में इसके नीचे 360 के नीचे हमें अपनी सेल की पोजीशन बनानी है, और जो हमारा टारगेट होगा वो इस प्राइस का 337 टू 335 का टारगेट होगा, और इस कैंडल के हाई का जो होगा वो एसएल होगा। इट मींस ये जो कैंडल है इसका जो हाई होगा वो हमारा एसएल होगा। तो हमारा एसएल जो होगा वो 425 का होगा, क्योंकि इस कैंडल का हाई जो है 424.95 है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कभी भी कोई भी पोजीशन में जब ट्रेड किया जाता है तो सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न या एक चार्ट पैटर्न के भरोसे कभी भी ट्रेड नहीं किया जाता है। हर ट्रेडर की अपनी स्ट्रेटजी होती है, वो 4 से 5 प्रकार के इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर का कॉम्बिनेशन रखता है। जब उसके सभी इंडिकेटर या ऑसिलेटर एक साथ एक तरफ का इंडिकेशन देते हैं, तभी वो श्योरिटी के साथ पोजीशन बनाता है, अदरवाइज़ वो पोजीशन बहुत रिस्की हो सकती है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल मार्केट ओपन होता और आप अपनी पोजीशन बना लें, ठीक है। इसके अलावा अब हम दूसरा चार्ट देखते हैं जो कि भारतीय एयरटेल का है। तो भारतीय एयरटेल का चार्ट मैं लगाता हूँ। भारतीय एयरटेल का चार्ट ये है, ये भारतीय एयरटेल का डेली का चार्ट है, और इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेशन हो रहा है डबल टॉप का। वो डबल टॉप का फॉर्मेशन किस तरीके से दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ से बाइंग आती है, ये यहाँ टॉप बनता है, फिर उसके बाद मार्केट रिट्रेस करता है, फिर दूसरा टॉप यहाँ पर बनता है ये, और फिर उसके बाद में मार्केट में फिर से रिट्रेसमेंट आया और ये मार्केट नीचे की तरफ गया। तो ये जो है एक डबल टॉप का पैटर्न है, इसमें हैवी वॉल्यूम के साथ में सेलिंग आई थी, ठीक है। तो ये पैटर्न है। इसके अलावा एक पैटर्न उन्होंने सिप्ला का, तो सिप्ला का भी हम चार्ट देख लेते हैं। सिप्ला का ये मैंने चार्ट लगाया, ये सिप्ला का चार्ट है। इस चार्ट में आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई हुई है। तो अगर जैसे हमारी प्रैक्टिस रहती है तो एक बार में हम चार्ट देखने के बाद बता सकते हैं कि ये कौन सा पैटर्न है। तो ये यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का लेवल आया और यहाँ पे टॉप बनाने के बाद वो फिर से बॉटम की तरफ गया, ठीक है। अब ये फिर रिट्रेस करके एक डबल टॉप इसने बना दिया है।
तो ये डबल टॉप है। तो इस तरीके का डबल टॉप होता है, इसमें हमेशा दो टॉप बनते हैं हाई से, और वहाँ उसके बाद नेकलाइन के नीचे सेलिंग होती है। नेकलाइन ये लाइन कहलाती है, जहाँ पर ये जो एम की जो वैल्यू होती है उसको हम नेकलाइन बोलते हैं। तो ये नेकलाइन है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 800 to 805 की जो रेंज है वो इसकी नेकलाइन रेंज है ना। तो ये तो था डबल टॉप। इसके अलावा और हमें जो दूसरा सीखना था वो सीखना था हमें डबल बॉटम। तो डबल बॉटम जस्ट डबल टॉप का अपोजिट होता है, ये हमेशा बाइंग की तरफ इंडिकेशन देता है। जब इसका ब्रेकआउट आता है तो ये बाइंग की तरफ ले जाता है। तो इसमें पहले एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, फिर मार्केट बाउंस करता है, बाउंस करने के बाद फिर से एक रिट्रेसमेंट लेता है, और फिर ये न्यू रैली स्टार्ट करता है इस नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद में। तो हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं और हमारा टारगेट ये होता है और ये एसएल होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि डबल बॉटम का पैटर्न किस किस में मिल रहा है। तो मैंने दो स्टॉक फिल्टर करके रखे हैं, आप इन स्टॉक को इस वेबसाइट्स के थ्रू भी सर्च करके निकाल सकते हैं, ये स्क्रीनर का फिल्टर है। तो मैंने ऑलरेडी फिल्टर करके रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो मैं डबल बॉटम के लिए मैंने अमर राजा बैटरी का मैंने चार्ट लगाया, ये चार्ट लग गया अमर राजा बैटरी का ये चार्ट है, ये छोटा सा पैटर्न है। तो ये पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का दिखता है। इसमें हो ये रहा है कि यहाँ से एक सेलिंग आती है, फिर उसके बाद में ये बाइंग आई यहाँ पर, फिर उसने रिट्रेस किया और फिर ये अब दूसरा फिर से बाइंग लेकर जाएगा। तो ये धीरे धीरे करके कंप्लीट होगा, मतलब एकदम से नहीं हो जाएगा, ये थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि मैंने बताया कि जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो किसी एक कैंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे कैंडल्स का कॉम्बिनेशन लगता है, तब जाके एक चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है। तो ये डेली चार्ट में हम देख रहे हैं, तो ये डेली चार्ट का पैटर्न है। तो इस तरीके से बाइंग दिखाएगा, तो हमें बस इस ब्रेकआउट के ऊपर का बाइंग लेना है और इस कैंडल के नीचे का एसएल लेना है, ठीक है। और दूसरा जो स्टॉक मैंने देखा था वो है इक्लर्क्स का। तो मैं इक्लर्क्स का चार्ट लगाता हूँ, इक्लर्क्स का मैंने ये चार्ट लगाया है, इक्लर्क सर्विसेज, या ये मैंने लगाया है। बहुत प्यारा फॉर्मेशन है इसमें डबल बॉटम का, कि डबल बॉटम चल को हम पहचानते कैसे हैं। तो डबल बॉटम यहाँ से स्टार्ट होता है, ये गया और फिर इसने रिट्रेस किया यहाँ से, और फिर ये बॉटम में आके इसने फिर से हाई बनाया और ये फिर ब्रेकआउट दे रहा है। तो इस तरीके का एक पैटर्न होता है, जो कि बहुत खूबसूरत पैटर्न है। तो आप देख पा रहे होंगे ये डबल बॉटम का पैटर्न है, इसने नेकलाइन से ब्रेकआउट दिया और फिर ऊपर की तरफ ये खींचा चला जा रहा है। हमेशा इसमें बहुत सिंपल स्ट्रेटजी होती है कि दोनों जो टॉप होते हैं, जो दोनों बॉटम जो है उसके नीचे का आपको एसएल मेंटेन रखना है और पोजीशन को होल्ड रखना है बाय के लिए डबल बॉटम में, है ना। तो बस आज के लिए हम इस सीरीज़ को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि ट्रिपल बॉटम क्या होते हैं, ट्रिपल टॉप क्या होते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, पेनेंट, फॉलिंग वेज, रेक्टेंगल, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें सीखना है। तो वो हम आगे वाली आने वाली सीरीज़ में कवर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। इसमें बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें मैं शेयर करूँगा आपके साथ। और थैंक यू सो मच।